हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों फ्रेंड्स। और देखिए, अभी फ़िलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ, ये है स्लेट पेंसिल का पेस्ट, देखिए दिखा देती हूँ आप सबको। और ये किसी की रिक्वेस्ट है कि 3 मटकी स्लेट पेंसिल के पेस्ट के साथ क्रंच कीजिए, लेकिन किसकी रिक्वेस्ट है ये मैं भूल गई हूँ, सॉरी। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी प्लीज़ कमेंट में बता देना, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी। उन्होंने बोला था मेरा नेम भी लेना, लेकिन मैं भूल गई हूँ किसकी रिक्वेस्ट थी। और वो वाली कमेंट मैंने बहुत ही अभी ढूंढने की कोशिश की है, वो मुझे नहीं मिली है, सॉरी यार उसके लिए। लेकिन हाँ, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी वो मैं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर 1 मैंने ली है मटकी, क्योंकि जो भी मेरे पास मटकी है वो स्मोकी में है, ये भी स्मोकी में है, हाफ स्मोकी है, देखिए हाफ फुल बेक्ड है, इसलिए मैंने मटकी ज़्यादा नहीं ली है, ग्लास लिए हैं। ये देखिए ब्रेक हो गए हैं, गिलास लिए हैं, और एक ली है मटकी, और ये है स्लेट पेंसिल का पेस्ट। देखिए देखिए ऐसे भी दिखाई दे रहा है ये नीचे से देखिए। तो चलिए मैं क्रंच स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही यम्मी यम्मी क्रंच है, प्लीज़ आप सब बताना आप सबको कैसा लगेगा मेरा क्रंच कमेंट में। ये देखिए स्लेट पेंसिल के पेस्ट में डिप करके,
इतना यम्मी है यार, इतना यम्मी। लास्ट वाली बाइट स्वैलो करने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। वाह, बहुत ही ज़्यादा अर्दी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पेंसिल में डिप करने के बाद इसका टेस्ट दोगुना हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग। मैं आप सबको बता नहीं सकते, इसका कोई जवाब नहीं था। मतलब आज तक मैंने ऐसा क्रंच नहीं किया, फर्स्ट टाइम इतना बेस्ट क्रंच हुआ। मज़ा आ गया सुन में। अगर मुझे पिंपल्स प्रॉब्लम नहीं होते, इसको मैं फुल स्वैलो करती। मतलब इतना दुख हो रहा है ना मुझे, इतना बेस्ट क्रंच और मुझे वेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसे वेस्ट जाता है ऐसे ही क्रंच करके। लास्ट वाला बाइट फिर मैंने स्वैलो ही किया। वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। आज के क्रंच में इतना मज़ा आया, आज तक मुझे इतना मज़ा नहीं आया कभी भी क्रंच में। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, क्रंची, अर्थी, डबल अर्थी, बहुत ज़्यादा अर्थी। और तीनों ही क्लेपॉट, दो गिलास थे और वन मटकी थी। मटकी तो स्मोकी थी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। वन और गिलास भी इतने अर्थी थे, इतने अर्थी हो गए स्लेट पेंसिल में डिप करने के बाद। वाओ, स्लेट पेंसिल के पेस्ट में डिप करने के बाद मज़ा आ गया सच में। और जिसकी भी रिक्वेस्ट थी मैं भूल गई हूँ, प्लीज़ आप कमेंट में बता देना किसकी रिक्वेस्ट थी। मज़ा आ गया, लेकिन जिसकी भी रिक्वेस्ट थी सच में, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रंच है ये। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर लव, सपोर्ट एंड कमेंट। थैंक